Hello everyone, this is Gary from Fantastic Fundas and we are doing lecture 17. And I will quickly tell you one thing that if you have not listened to earlier lecture, please go and listen to them and quickly revise them and then come to lecture 17. At least revise lecture 16 quickly, then come to 17 and then move to lecture 18, which will be coming soon. Now, why I am talking about Governor Generals here, you need to understand this, because if you know the political history, right, political history of the time that who was ruling, what they were doing. In Governor General, I'll be telling you what all happened during their tenure. Now, it will be better, you will better understand. Agar aap political history samajhte hain, toh aap achche se samajh payenge is time par ki socio, economic aur religious history of India jo hai, wo aap better appreciate kar payenge. Theek hai ji? पहले आ गए हैं एल्गिन. एल्गिन चले 1862 to 63. नाउ इफ वी टॉक अबाउट एल्गिन, ही इज एल्गिन वन. वी टॉक अबाउट एल्गिन टू आल्सो व्हिच लेटर ऑन. एल्गिन वन इज एट हिज टाइम वहाबी मूवमेंट वाज सप्रेस्ड, राइट. अब यू नो सी इफ टुडेज लेक्चर इट विल बी हाईली हाईली फैक्चुअल लेक्चर, ठीक है. बहुत सारी जगह ऐसा होगा आई जस्ट बी रीडिंग द फैक्ट्स टू यू, और क्योंकि उसके अंदर कुछ ज्यादा किया ही नहीं जा सकता है इन लेक्चर्स के लिए, तो इट यू नो देन इट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू कि आप इसको क्या करें कि जस्ट ध्यान से सुने और चीजों को रट्टा मारने की कोशिश करें क्योंकि अभी समझाने को कुछ है नहीं. जहां होगा आई विल एक्सप्लेन यू, बट बी प्रिपेयर्ड, दिस विल बी सुनामी ऑफ फैक्ट्स फॉर यू इन दिस लेक्चर. तो एल्गिन के टाइम पर क्या हुआ, वहाबी मूवमेंट को सप्रेस किया गया था. सैयद अहमद जो था ही प्रमोटेड वहाबिज्म इन इंडिया थोड़ा विद मॉडरेशन, क्योंकि वहाब्स को थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट की तरह ही माना गया है और कई लोग तो वहाबिज्म को एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंटिज्म से भी जोड़ते हैं. और ही वॉज एंटी ब्रिटिश. जो वहाबी मूवमेंट थी ये अब्दुल वहाब ने शुरू की थी, ठीक है जी. और ये भाई साहब ब्रिटिश के अगेंस्ट थे. एंड ओसामा बिन लादेन को माना जाता है कि ही वॉज अ वहाब मॉडर्न टाइम के अंदर. सटलाना है वहां पर इसके हेडक्वार्टर्स हैं सटलाना में, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में है. और जो एल्गिन वन था ये धर्मशाला में मरा था. एक्चुअली डिडंट डाई इन धर्मशाला, ही प्रोबब्ली डाई समवेयर नियर कुल्लू मनाली एंड बॉडी वाज बरीड एट धर्मशाला, और इसकी ग्रेव अभी वहां पर बनी हुई है. गोरखा रेजिमेंट वॉज ऑल्सो रेज्ड इन धर्मशाला फॉर दैट मैटर, इज अ फैक्चुअल थिंग. एक साइड पर बात आती है. और एक तरह तो इसने पुराने उसका पॉम्प खत्म कर दिया, जो वो मेडल शटल पहन के चलते थे, यू नो ही अबैंडन द पॉम्प ऑफ अर्लियर गवर्नर जनरल एंड ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द पेटरहॉफ बिल्डिंग इन शिमला. इट्स अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग, लेकिन द बिल्डिंग दैट इज देयर एट प्रेजेंट इज नॉट द ओरिजिनल बिल्डिंग बिकॉज इट वॉज डिस्ट्रॉयड इन द फायर समवेयर इन 1980-81 प्रोबेबली. Now, later then, after Elgin won, he was the first person to live there. Then, this building served as the High Court. Then, Nathuram Godse's trial took place there, the same person who killed Mahatma Gandhi ji. And now, it's a hotel and as I said, fire mein wo khatam ho gaya tha. So, Elgin won ke andar time pe kuch khas baat nahi hui hai. Elgin won ke time pe agar aap kuch yaad rakhna chahte hain, to sirf do hi baatein aapko yaad rakhne wali hain. One was Wahab and second is Peterhof. मेरे को तो इसके अंदर और कुछ ज्यादा अच्छा लग नहीं रहा था, कहीं पर भी मिला नहीं. तो दैट्स ऑल एंड वी मूव अहेड विद जॉन लॉरेंस, सेवियर ऑफ पंजाब. ही वाज देयर फ्रॉम 1863 टू 1869. वाई इज कॉल्ड द सेवियर ऑफ पंजाब, बिकॉज ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दैट इजंट द डूइंग ऑफ थिंग्स इन पंजाब. इसकी वजह से पंजाब में चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें करनी आसान हो गई थी. और ये पंजाब में उसने पंजाब टेनेंसी एक्ट भी लाया था और ये बाद में लोगों की एक्सप्लॉयटेशन के लिए भी यूज किया जाता है. हाँ, अभी भी कई सरकारी दफ्तरों में इन मेनी गवर्नमेंट ऑफिसेज यू विल स्टिल फाइंड फोटोज और पिक्चर्स ऑफ जॉन लॉरेंस इन पंजाब. यू नो दोज ओल्ड ऑफिसर्स, दे स्टिल हैव वन ऑफ देयर पिक्चर्स, आई सीन देम इन चंडीगढ़, दे आर देयर नाउ. यूनिफॉर्म पोस्टल सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई हिम, राइट. यूनिफॉर्मिटी वॉज ब्रॉट बाई हिम, दिस इज इंपॉर्टेंट. यूनिफॉर्म कॉइने सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई हिम. नाउ वी नो दैट ब्रिटिशर्स मेस्ड विद द अफगान पॉलिसी ड्यूरिंग द लेट 1930s, राइट. उस टाइम पे इन्होंने गड़बड़ कर दी थी बहुत टाइम पे. तो नॉन इंटरवेंशन, सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ कंस्ट्रेंट पॉलिसी आई थी.
his policy is known as the policy of the masterly inactivity. What do you mean by this word, policy of masterly inactivity? This is very important for your paper. Ye as it is aapke paper mein aa sakta hai. So what is this policy of masterly inactivity? Let's read it in his words only. That we will leave the Afghans to settle their own quarrels, and that we are willing to be on terms of amity and goodwill with the nation and with their rulers de facto, right? Ki hum kisi bhi kisam ki, we will not interfere whatsoever. You can settle your own disputes in your own manner, and we will help you, you know, and we are willing in terms of amity. Shanti hum aapke saath rakhna chahte hain, right? And telegraph communication started with Europe at this time, right? That was in 1869-70. And if you know, Suez Canal also started in the same year, opened in this year. And telecom, why I'm telling you this fact, Suez Canal started because it had such a huge importance. Now you could come directly from the Mediterranean into the Arabian Sea. Then telecom and communication improved a lot at this time. High courts were set up at this time. Kahan kahan set up hui high court John Lawrence ke time pe? Ek Calcutta mein aur Bombay Madras mein fir set up hui thi. Aur kuch famines hai. Famines ek common चीज़ रही है थ्रू आउट द ब्रिटिश एम्पायर. किसी ना किसी के टाइम पर कोई ना कोई फेमीन्स आते रहे हैं. ना फेमीन्स को एक साथ कर भी डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन अभी गवर्नर जनरल के एंगल से चल रहा है तो आपको गवर्नर क्यों कौन से गवर्नर जनरल पे कहाँ फेमीन आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी. तो सी ऑफ कैलेमिटी इन ओडिशा इसको कहते हैं. क्यों? इसके अंदर 50 लाख लोग मारे गए थे इन दिस फेमीन. दिस इज सच अ ह्यूज फेमीन. दिस इज इन 1866, राइट. सो फर्स्ट हुआ क्या यहाँ पे, ट्रेजेडी क्या हुआ? पहले यहाँ जी फेमीन आया, ठीक है जी. ये फेमीन आया, फेमीन आने के बाद क्या हुआ, यहाँ ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया. और ड्रॉट आने के बाद क्या हुआ, यहाँ फ्लड आ गए. देखिए क्या मतलब, ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी होती जा रही है. और कॉलर फ्लड की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, कॉलरा एंड मलेरिया यहाँ फैल गया, बीमारियाँ फैल गई, राइट. एंड बिकॉज ऑफ विच 50 लाख पीपल डाइड इन 2 years एंड गवर्नमेंट डेड नथिंग, गवर्नमेंट डेड नथिंग, राइट. नाउ फेमीन कमीशन वॉज सेटअप अंडर हेनरी कैम्बल, ठीक है जी. अगर मैं जॉन लॉरेंस के टाइम पर बात करूं, आपको वॉट यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर 3 things. ही वॉज नोन एज द सेवियर ऑफ पंजाब. नंबर 2, ही पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, राइट. एंड नंबर 3 इज फेमीन इन ओडिशा, ठीक है जी. आपको ये बातें याद रखनी है जॉन लॉरेंस के अंदर. आगे चलते हैं. जॉन लॉरेंस के टाइम के अंदर कुछ और बातें भी, उन 3 बातों के सिवाय, एंड दैट इज एक भूटान वॉर हुआ. तो ये 4th चीज आ जाती है यहाँ पे. आई जस्ट क्विकली राइट हियर इट फॉर यू. सो इट इज यू नो, आई जस्ट क्विकली रिमाइंड यू कि इसके टाइम पर क्या हो रहा है. एक तो ये सेवियर बन गया है, सेवियर. नंबर 2 इस ये फेमीन वाली जिसने बातें की हैं, राइट जी. और नंबर 3 यहाँ पर आ जाता है जो इसने पॉलिसीज की थी, ठीक है जी. पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी. नाउ नंबर 4 इज भूटान वॉर. इसके टाइम पे अगर आपको कुछ चीज़ें याद ही करनी है इसमें से, भूटान वॉर, इट इज ऑल्सो नोन एज द दुआर वॉर, एंड भूटानीज आर्मी लॉस्ट इन इट. एंड बाय ट्रीटी ऑफ सिंचुला यहाँ पे पीस आया था. कई बार पेपर में उठा के एज इट इज ट्रीटी का नाम पूछ लेते थे. दे समटाइम्स आस्क यू द नेम ऑफ द ट्रीटी इन द पेपर. And that was in 1865. Now, East India Association in London was there under Nauruji and formed during this time only when John Lawrence was there. It's a fact because somewhere I must have come across some MCQ multiple choice question where it was, it must have been asked that who was the Governor General when Nauruji formed the East Indian Association. Now, he led the troops which captured Delhi from Sepoys and for which he was given baronetcy. What is baronetcy? Baronetcy is just like the title given by British government, just like the title of knighthood, right? Knighthood. This was the title given by British government, and it with this title you could be called the sir, but baronet were higher than all the knights. Ye baat important ho jati yahan pe, theek hai ji. And he got baronetcy for this.
Then we talk about Lord Mayo. Mayo is very important, right? Mayo College. Okay, so he opened Mayo College at Ajmer, and Lord Nas bhi kehte hain ise, whatever the pronunciation be, I don't care. Mayo College at Ajmer, it was made for education of young Rajput princes. ठीक है जी, ये कहता था मैं आपको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा अपने स्टाइल में, जो ब्रिटिश अंग सही मायने जो एजुकेशन होती है. एंड कर्नल ऑलिवर सेंट जॉन वॉज इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल. दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फैक्ट. ऑल यू शुड नो दैट ही स्टार्टेड मेयो कॉलेज एट अजमेर एंड ही वाज नोन एज लॉर्ड नास. नाउ ही ओपनड द राजकोट कॉलेज एट काठियावाड़. जस्ट टू टेल यू दैट इट इज नोन फॉर इट्स इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम. ठीक है जी, इनलैंड ड्रेनेज यहाँ पर है. एंड देन ही सेट अप द रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट. यहाँ पे दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ फैक्ट फॉर अस, हु सेट द रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट. देखिए यहाँ पर ऐसा करने से क्या हो रहा है, बेटर ऑर्गेनाइजेशन हो रही है. तो मेयो के टाइम पे थिंग्स आर गेटिंग बेटर ऑर्गेनाइज. वन, ही डिड समथिंग फॉर एजुकेशन, एंड सेकेंड ही डिड फॉर रेवेन्यू एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, राइट? यू कैन कॉल इट रेस ऑल्सो. क्या क्या रेस इस मेयो ने लगाई? रेस मेयो दौड़ा. मेयो कहाँ कहाँ दौड़ा? रेवेन्यू एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड एजुकेशन. ही इंट्रोड्यूस स्नाइडर राइफल, दैट मीन्स ही मॉडर्नाइज्ड इन्फेंट्री कह लीजिए, यहाँ की आर्मी कह लीजिए, उनको मॉडर्नाइज करने में इसने हेल्प किया. एंड ही इम्प्रूव द सैनिटरी कंडीशंस फॉर द ट्रूप्स एंड बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेवल टू इंक्रीज द रेवेन्यू. तो मैं इसकी पूरी अलग से भी डिटेल में बात करूंगा कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इनके टाइम पर कैसे थी एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर में, लेकिन अभी इतनी बात समझ ली कि मेयो के टाइम पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गई थी. ठीक है जी, कि खर्चे खुद पूरे नहीं कर पाते, अनएबल टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, तो दे डिसेंट्रलाइज्ड. ओके, यू मैनेज, यू लोकल पीपल, यू लोकल प्रिंसेस, प्रोविंसेस, प्रेसिडेंसेस, यू मैनेज ऑन योर ओन, वी डोंट केयर. ठीक है ना. नाउ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर, दिस इज इंपॉर्टेंट फैक्ट ओवर हेयर, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया वॉज सेटअप अंडर William Wilson Hunter. And we, when we talk about this, see, this is W.W. Hunter. You must remember his name. This is important for paper. Statistical Survey of India. Statistical Survey of India was set up, right? And National Statistics Mission was also set up at time of Lord Mayo, right? This is 1869 to 1872. Statistics ko lekar agar kuch bhi hota hai, to wo Mayo hota hai. Theek hai ji, to aap isko races formula bana sakte hain. I like just quickly remind you, this is revenue, this is agriculture, commerce, education and statistics. So he was known for his races, right? We'll move ahead. He started the first series of census. Ab sabse pehle India ka, the first census of India was done by the Lord Mayo in 1872. This is, remember, this is not a decennial census, yani ki ye 10 sala census nahi tha. Census hamare yahan 10 saal mein ek bar hota hai. And this was the first exhaustive work since Aine Akbari. Imagine, tab se lekar abhi tak lagbhag 300 saalon tak दो जो ये है कुछ हुआ ही नहीं काम ढंग का. ठीक है जी. नाउ ही इज द ओनली गवर्नर जनरल हु वाज स्टैब्ड, हु वाज यू नो असैसिनेटेड बाय, एंड ही वाज असैसिनेटेड बाय शेर अली अफरीदी, राइट? ही हैड द इंपैक्ट ऑफ पठान, दिस गाय ओवर हियर, अ पठान कन्विक्ट. एंड एक्चुअली व्हाट हैपेंड दैट जो मेयो था, ही हैड इंटरेस्ट इन प्रिजन रिफॉर्म, जेल सुधार ग्रह, जेल सुधारों में इसका बहुत ही एक अट्रैक्शन थी, एफिनिटी थी, ग्रेट अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट. सो व्हाइल ही वाज वेस्टिंग अंडेमान जेल्स, देयर ही वाज अटैक्ड, स्टैब्ड बाय यूजिंग अ नाइफ, एंड दिस पर्सन आफ्टर हिज अरेस्ट, दिस इज शेर अली अफरीदी, राइट? बहुत सारी थ्योरीज हैं व्हाई ही किल्ड, सम सेड ही वाज अ फ्रीडम फाइटर, सम सेड बिकॉज ऑफ हिज ओन सेंस ऑफ इनजस्टिस दैट ही वाज रॉन्गली अरेस्टेड, सम सेड बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजन. जो भी कारण रहा, दिस वाज द मैन हु किल्ड मेयो, एंड ही इज द ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज स्टैब्ड, एज आई सेड. एंड स्टेट रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई इसके टाइम पे, राइट? रेलवेज की बात नहीं मैं कर रहा, वो प्राइवेट रेलवे थी, स्टेट रेलवे यहां पर इंट्रोड्यूस हो चुकी है. और लीगल रिफॉर्म्स की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसके टाइम पर पास हुआ था. एंड हु ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट? इट वाज जेम्स फिट्जेम्स स्टीफन. जेम्स, और इसको रट्टा मारना हो जस्ट टू क्रैम इट, जेम्स फिर जेम्स फिर बोल दीजिए इसको, दिस इज वी कैन कॉल इट फिर, जस्ट टू रिमेंबर इट, जेम्स फिर जेम्स स्टीफन. ठीक है, जेम्स और फिर जेम्स और फिर स्टीफन. नाउ नॉर्थ ब्रुक के बारे में बात करेंगे 1872-76 के अंदर.
बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहाँ पर एक, ऑल्दो अ ट्रेजिक वन, वो है रिमूवल ऑफ गायकवाड ऑफ बड़ौदा। हुआ क्या था, अप टू 1870 श्री सर खांडेराव महाराज गायकवाड़ जो थे, ही वॉज द पॉपुलर राजा, एंड देन ही एक्सपायर्ड, एंड वेन ही एक्सपायर्ड हिज क्वीन वॉज प्रेगनेंट। अब सबको लगा था कि इनका बेटा वुड कम, राइट, बट हुआ क्या, बेटी वॉज बॉर्न, एंड बेटी को वो राजा बना नहीं सकते थे वहां पे। तो इन टाइम पे एक भाई आता है इनका, जिनका नाम है मल्हार राव गायकवाड़, एंड दिस पर्सन इज नॉट एज इंटेलिजेंट, एंड रादर सम पीपल कॉल हिम पर्सन ऑफ हार्डली एनी इंटेलिजेंस, कि इतना कोई दिमाग था ही नहीं इनमें कि वो राजा बन जाते हैं। एंड ब्रिटिश यूज देयर पैरामाउंट पावर टू पनिश हिम, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रिटिशर्स ने अपनी पैरामाउंट पावर को कब यूज किया किसी राजा को पनिश करने के लिए, उसकी वन ऑफ द इलस्ट्रेशन अगर कोई है तो वो महाराजा ऑफ गायकवाड़ को लेकर ही है, एंड उस टाइम पे ऑन व्हाट वाज द चार्ज ऑफ पॉइजनिंग द ब्रिटिश रेजिडेंट। ठीक है जी, काउंसिल रेजेंसी टुक ओवर उस टाइम पे, काउंसिल रेजेंसी हम कह सकते हैं जो ब्रिटिश रेजिमेंट टुक ओवर, एंड इंडियन लीग बाय शिशिर कुमार वॉज स्टार्ट, यू नो इंडियन लीग बाय शिशिर कुमार वॉज स्टार्टेड एट दिस टाइम, एंड अमृत बाजार पत्रिका वॉज ऑल्सो फाउंडेड इन 1868 एट दिस टाइम। ठीक है जी, तो नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई, एंड दैट वाज द कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट की पूरी डिटेल्स आई विल बी टॉकिंग टू यू। कूका मूवमेंट जो थी, पीपल एक्चुअली वो कूक करते थे, वो जब गुरबानी पढ़ते थे, यानी कि जो उनकी गुरुओं की वाणी थी जिसको हम कह सकते हैं, द गुरुज वर्ड्स व्हेन दे यूज टू चैंट द हिम्स, एंड देन दे यूज टू हैव दिस कूक्स वाइल सिंगिंग दोस, एंड दस दे वर कॉल्ड द कूकाज, राइट। Right, what was it? What is a Kuka movement? It's a socio-religious movement, right? Social bhi hai, religious movement bhi hai, and how it is social and religious, we'll be talking about it. According to them, what was it? They said, well, there's only one true guru of theirs, who's to be followed, and that is Guru Gobind Singh Ji. Now, removal of caste distinction, their social kya tha iske andar? Keh rahe thi, caste ko hataya jaye, permission of intermarriage, की जाए, विडो रीमैरिज की बात है, एब्सटिनेंस फ्रॉम लिकर मीट एंड ड्रग्स, इन सब से मना किया जाए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, एंड दे अपोज द वर्शिप ऑफ आइडल टूम्स एंड एसेटिक्स, तीनों की वर्शिप को वो मना कर रहे थे। फिर कूका मूवमेंट बड़ी ही पायस मूवमेंट थी, इनका जो फोकस था वो साधारण सादगी से जीने पर था, इट वॉज अ वेरी पायस एंड मूवमेंट फोकसिंग ऑन सिंपल लाइफ एंड फोकसिंग ऑन ट्रूथ। देवर अगेंस्ट द, नॉट दिस इज अगेंस्ट सोशल एंगल ऑफ इट, देवर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड देवर अगेंस्ट इन्फेंटिसाइड एंड डाउरी सिस्टम। इमेजिन इन देयर मैरिज इज द कूका आर अलाउड ओनली टू स्पेंड ₹13। Now they give strict equal status to women. This is very important. Whenever you talk about women, we can talk about Kuka movement also. And they vehemently oppose the cow slaughter. Itna oppose karte the ki was even violence, fights, theek hai, to save the cow by them. And it was started by Bhagat Jawahar Mal, right? And who is also known as the Siyan Sahib in 1840s. And its headquarters, its main center is in Hazroh, Pakistan mein jo hai. बाबा बालक सिंह जी वॉज देयर अनदर इम्पॉर्टेंट लीडर, राइट। नाउ ही वॉज नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन एंड ही वॉज अटैक बाय दोज हु डिडंट फॉलो हिज रिलीजन, राइट, हु डिडंट फॉलो हिम, बिकॉज दे सी वी शुड हैव टॉलरेंस टूवर्ड्स ऑल द, दिस इज द थिंग वी नीड टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री है। किसी के कहीं पर भी कैसे भी रिलीजियस फेथ हो सकते हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 में क्या लिखा है, आप ये कहें जी कि मैं इस चीज को भगवान मानता हूं, वो भी प्रोटेक्टेड है। इन आर्टिकल 25 इट इज रिटन दैट आई कंसिडर जस्ट अ पिक्चर, लेट्स से हैविंग जी रिटन ऑन इट, जस्ट गॉड रिटन ऑन इट, दैट इज कंसिडर्ड एज गॉड टू मी एंड दैट इज प्रोटेक्टेड। एंड इफ आई से देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड, even that is protected under article 25 of our constitution, right? So we must respect others' feelings, kyunki dekhiye you can have your own view, but like just like you have your own view, others have their own views, right? So we must protect all, we must respect all at least, and have tolerance. Then what happened in Kuka movement in 1857, Satguru Ram Singh sets up the Namdhari sect and appoints subhas एंड नायब सूबाज, सूबा मतलब गवर्नर्स, जो गवर्नर सेट करते हैं, नायब सूबाज में डिप्टी गवर्नर सेट करते थे, टू मोबिलाइज कूकाज अक्रॉस पंजाब, राइट। 1857 के अंदर, 1872 के अंदर क्या हुआ, ब्रिटिश ने 65 कूकाज को तोप से उड़ा के मार दिया, एंड दे कैप्चर्ड सतगुरु राम सिंह, एंड उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया रंगून में, एंड
अभी कुछ लोग कहते हैं कि वो अंडमान जेल के अंदर उनको भेजा गया था, कुछ कहते हैं रंगून में। एंड फिर 1885 में व्हेन सतगुरु राम सिंह डाइड, कुका मूवमेंट स्लोली फेडेड अवे। नाउ 2014, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, 2014 इंडियन पोस्ट ली स्टैम्प्स ऑन 150 ईयर्स ऑफ कुका मूवमेंट, एंड दस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर पेपर। Now, this was the stamp issued by paper. You can see the what is happening over here. They are being hung. Ya top se uda rahe hain. And you must notice that this was the first war of independence for 150 years of Kuka movement. And they are wearing white clothes. Kyunki inko sirf white clothes hi allowed the, aur koi kapde ye pehen nahi sakte. Aaj bhi aisa hi hota hai. The Kuka wanted to throw away the British and restore Sikh sovereignty over Punjab. ये इनका मकसद था, Sikh sovereignty, ये religion based करना चाहते थे sovereignty Punjab में। Kuka followers, they had to wear only hand woven clothes and boycott British education, laws and already made products. British के तो बिल्कुल against थे ये, लेकिन and only white color as I said. This Kuka movement had elements of non-cooperation movement and civil disobedience movement. इन दोनों के बारे में we will be talking very soon and the differences between them. But even the Kuka movement, much before the non-cooperation movement and civil disobedience movement was started in India by Gandhi ji, Kuka movement had elements of these 50 years back. ठीक है जी। Then नामधारी movement. Now see, basically it's the same as Kuka movement. The Sikh sect emphasizes on austerity, absence of any religious ritual except repeating God's name. ये सिखिज्म का ही सेक्ट है, एक जो नामधारी मूवमेंट है, और जो ये सेक्ट है कह रहे हैं हमें कुछ नहीं करना, कोई रिचुअल नहीं, सिर्फ एक ही नामधारी, नाम धारणा, नाम ना, बस नाम लेते रहना है। और यू नो आई टेल यू समथिंग वेरी अमेजिंग व्हाट हैपेंड दैट इफ यू टॉक इन रिलीजियस टोन्स राइट in spiritual sense that lot of people have shown different paths to achieve God. For those of you who are religious and spiritual and believe in God, just a quick fact that people have shown different ways of reaching God. Some say through tapasya, and some do bhakti, and some do aradhana, and Nanak was the one who showed the name path of achieving God through naam japna. And Namdhari movement says that sirf naam dhar lo, naam hi japna hai. Naam means the name of God, right? Khair, Kuka movement was a small but important phase of overall Namdhari movement. To Kuka movement jo thi, wo Namdhari movement ka hi ek part hisa tha. Now Namdharis are also called Kukas because of similar method of chanting hymns, right? नामधारी की डिस्टिंग स्टाइल ऑफ टर्बन आपने शायद कहीं को देखा होगा, वो व्हाइट कलर के जिन्होंने कपड़े पहने होते हैं। दे मेंटेन देयर ओन गुरुद्वारा, प्रैक्टिस वेजिटेरियनिज्म एंड मैरी एट फायर आल्टर। नाउ दे कांट ड्रिंक टैप वाटर, ठीक है जी, ये बात आ जाती है, ये नल का पानी नहीं पी सकते, एंड जो पानी उनको पीना है दैट मस्ट बी ब्रॉट फ्रॉम द लेक और फ्रॉम द रेन और द वेल। दिस इज वेरी टिपिकल थिंग अबाउट देम कुकाज विच यू मस्ट नो। नाउ नॉर्थ ब्रुक अगर हम पढ़ रहे थे, इसके टाइम पे Prince of Wales India था। This is very interesting story. What happens that this ये है विक्टोरिया का सबसे बड़ा बेटा, रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया, तो विक्टोरिया का बेटा है एडवर्ड। तो जो विक्टोरिया का बेटा है एडवर्ड, जब भी हम फीमेल बनाने कहीं पर दिखाना चाहते हैं वी पुट अ सर्कल ऑन हर, एंड व्हेन वी वांट टू शो अ मेल वी पुट अ स्क्वेयर ऑन हर। ऐसा करने से क्या होता है, आप अपने रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन सी सेट में आंसर कर सकते हैं। कहीं पर भी ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं रिलेशनशिप वाले कि दिस इज द सन एंड डॉटर ऑफ द एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ द मदर्स मदर एंड लॉ समथिंग समथिंग समथिंग, सो एंड दोज क्वेश्चन यू कैन यूज दिस। खैर, सो दिस इज नाउ व्हाट हैपेंड दैट विक्टोरिया का बेटा एडवर्ड द अब इंडिया आया, घूमने आया नहीं, अरे घूमने तो आया, बट ही डेड एक्चुअली वॉन्ट, यहाँ पर लोकल प्रिंसेस थे, वी हैड मेनी लोकल प्रिंसेस हियर, ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस देम एंड इंस्पायर देम कि अरे हमारे साथ ही रहो ना, हम अच्छे लोग हैं, हम आपको ये देंगे वो देंगे, ऐसे उनको एकदम अपने तरफ करने आया था, जस्ट टू हैव द प्रिंसेस ऑन हर साइड एंड अफॉर्म देयर सेंट्रल रोल इन मेंटेनेंस ऑफ एम्पायर। उनको कहता कि देखिए आपके बिना तो एम्पायर ही नहीं चल सकता, आप ही महान हैं। तो ब्रिटिशर्स की चलाकियां थी ये, ठीक है ना, माँ तंग कर रही थी हमारे देश को, तो बेटा क्या करने आ गया, उसको संभालने आ गया, माँ की सपोर्ट करने आ गया यहाँ पे। ही वॉज गिवन गिफ्ट बाय प्रिंसेस, अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, प्रिंसेस गेव हिम सो मेनी गिफ्ट्स लाइक पेंटिंग्स, एंटीक वेपन्स, लाइव एनिमल्स, आर्ट वर्क, पता नहीं क्या क्या एम्ब्रॉयडर्ड वर्क, बहुत कुछ दिया, एंड दीज गिफ्ट्स वर सो मेनी दैट अ शिप फुल ऑफ गिफ्ट्स वेंट विद
Prince Edward. And not only this, when he went over there, there was 6 months ki ek exhibition organized in ब्रिटेन की. वहां पर जाके ये बेटा कहता है कि देखो मम्मी मम्मी मैं वहां से क्या लूट कर लाया हूं, ऐसे कुछ इसने किया वहां पे दिखाने के लोगों को. सो दैट वाज अंडर नॉर्थब्रुक, ये इसके टाइम पर हो रहा है 1876. एंड उड़ीसा फेमीन ऑफ 1872, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं अंडर लॉरेंस ऑल्सो. उड़ीसा फेमीन के बारे में, ये काफी लंबा फेमीन चला, प्रॉब्ली वही वाला शायद या नया फेमीन आया, आई एम नॉट श्योर. Then Indian Meteorological Department was set at Kolkata in 1875. और आदित्य जायते वृष्टि, right? तो ये है इनका मोटो. और IMD, it was set up at Kolkata in 1875. This is very important for your paper because of increasing role of Indian Meteorological Department. And then it was later shifted to Delhi and it was set at the time of Northbrook, right? Now we move to Lytton. Lytton के बाद Ripon. Now Lytton की बात करेंगे 1876 to 1880. तो Lytton के टाइम पर क्या हुआ, बड़ा इवेंटफुल था. एक तो ये भाई साहब, he was a poet and he used to do poetry in the name of Owen Meredith. I have read his poems. I like reading poems and I have read some like 200-300 poems, probably more than that. Now, but this is like, he used to write about that, how was his empire, and he would give advice to future people also. That was his writing. I didn't like it much. Anyway, so he wrote the novel also called Lucile. This became very famous. That is why I mentioned the name of this. And Sea of Calamity happened at his time. Huge famine and drought. This was more widespread than any previous famines ke time par. Itne khatarnak famines India mein aaye. एंड रिएक्शनरी पॉलिसीज लिटन फॉलो करता था. रिएक्शनरी पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, ही यूज्ड टू फॉलो रिएक्शनरी पॉलिसीज, व्हिच मींस दैट समथिंग वुड एक्स हैपेंस दो सो देन ब्रिटिश वुड डू वाई, राइट. ब्रिटिश तभी कुछ करते थे अगर जब कुछ होता था तो रिएक्शन देते थे हर चीज के, ठीक है जी. नाउ 1876 रॉयल टाइटल्स एट केम, ये बैठी हैं महारानी हैं, ये है विक्टोरिया एंड दिस लेडी ओवर हियर Queen, she took the title of Kaiser A Hind from 1st May 1876 and also took the also title of basically Indian imperative. The Kaiser A Hind is Indian imperative only, and which means that which means close to Indian masses. ठीक है जी. तो अब लेकिन जो ये टाइटल होती है, ये टाइटल आप देख सकते हैं, जो ये पिक्चर है ओवर हेयर, दिस पिक्चर ओवर हेयर, दिस इज बेसिकली द जो इसका दरबार लगा था क्वीन का, उसकी पिक्चर है. एंड जो टाइटल इसको 76 में मिल गया, बट शी प्रोक्लेम द टाइटल ओवर हेयर इन 1877 एट द फर्स्ट ग्रैंड ओल्ड दिल्ली दरबार. विक्टोरिया क्लेम टू बी द क्वीन ऑफ इंडिया एंड दरबार. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिजराइली यूजली क्रिएटिव टाइटल्स क्रिएशन, बेंजामिन डिजराइली ने यह बनाया था. कुछ और दरबार भी लगेंगे जिनके बारे में आने वाले टाइम में हम बात करेंगे. सेकेंड दरबार वॉज इन 1903 बाई एडवर्ड सेवन, ये वही बच्चा है जो कह रहा था मम्मी देखो मैं इंडिया लूट लाया, एडवर्ड सेवन. तो सेकंड दरबार इन 1903, राइट. एंड थर्ड दरबार जो होगा दैट विल बी एट द टाइम ऑफ जॉर्ज फाइव, विच अगेन वी विल बी टॉकिंग द कमिंग लेक्चर्स लेटर ऑन. नाउ इट इज टाइम समथिंग ट्रेजिक हैपेंड एंड दैट ट्रेजिक थिंग टू हैपन वॉज कमिंग ऑफ द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट. द प्रेस वॉज गैग्ड. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट एज इट इज इन द नेम, ये नाम के अंदर ही वर्नैकुलर लैंग्वेज, जो हमारी वर्नैकुलर्स हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज, अपनी घर के आसपास की बोली है, जो हमारी आपकी हिंदी, मराठी, बंगाली, तेलुगू, तमिल, आप कुछ भी, आपकी मलयालम, वट एवर, उर्दू, तो ये सारी लैंग्वेजेस को एबॉलिश करने के लिए, क्योंकि इंडियंस तो वही लैंग्वेज समझते थे, हम इंग्लिश थोड़ी ना समझते थे. इवन टूडे वी डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश सो वेल. सो अमृत बाजार पत्रिका ही टर्न इंग्लिश ओवरनाइट एज ओनली न्यूज़पेपर इन वर्नैकुलर वर रिमूव्ड. वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, अमृत बाजार पत्रिका वॉज इन सम अदर लैंग्वेज, राइट, एंड टर्न इंटू बंगाली, सॉरी इंटू इंग्लिश ओवरनाइट. इट वॉज इन बंगाली, टर्न इंटू इंग्लिश ओवरनाइट बाई दिस एक्ट. द मजिस्ट्रेट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वर एम्पावर्ड विदाउट. अब होता क्या था इसके अंदर, जो मजिस्ट्रेट होते थे दे कुड कॉल अपॉन एनी प्रिंटर. मैं न्यूज पेपर हूँ, मेरा ये न्यूज पेपर चलता है, तो वट वुड हैपन दैट द ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु कुड कॉल मी एंड से एंड आस्क मी टू एंटर इन टू अ बॉन्ड एंड वट इज रिटन इन द बॉन्ड दैट आई विल नॉट पब्लिश एनीथिंग विच माइट राउज फीलिंग ऑफ डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है जी. द मजिस्ट्रेट वॉज ऑल्सो ऑथोराइज टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी
which could be confiscated if the printer violated the bond. ये होता था. एंड अगर वायलेशन होती थी तो उसकी प्रेस को ही सीज कर लिया जाता था. एक बड़ा फालतू का लेकिन येट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, टोटली अननेसेसरी येट इंटरेस्टिंग, इज एडवर्ड ल्यूटेंस. आपने ल्यूटेंस डेली सुना होगा, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ डेली. ही वाज द सन इन लॉ ऑफ लिटन. तो ऐसी एक मेरे को ही फैक्ट मिला था, शेयर इट विद यू. नाउ लिटन के टाइम पर कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हुई. फॉर एग्जाम्पल, ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेज एक्ट आया था, जिसके अंदर भी ऐसी बातें थी कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ है तो आप उसे कहीं पर भी प्रिंट नहीं कर सकते. देन इंडियन आर्म्स एक्ट आया था. एज आई सेड, लिटन का बहुत कुछ हुआ इस टाइम पे, यू विल हैव टू रिमेंबर मच मोर. तो इंडियन आर्म्स एक्ट आया, इंडियंस कैन नॉट कैरी, कांट कैरी वेपन्स इसके टाइम पे, सो दैट देयर कैन बी नो रेबेलियन. ऐसा इसलिए कहता है कि आर्म्स एक्ट के अंदर इंडियंस वर अबॉलिश्ड, सो ताकि वो वेपन ना कैरी कर सकें. एंड मैक्सिमम एज ऑफ सिविल सर्विस वो रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 19 ईयर्स. जो आजकल ये जनरल कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स है, कईयों के लिए 35 है, रिजर्व कैटेगरी के लिए कईयों के लिए, तो वो उस टाइम पे मैक्सिमम एज सभी के लिए फॉर एवरीवन वाज 21 ईयर्स. एंड इट वाज रिड्यूस्ड टू 19 ईयर्स बाय ये महान हस्ती, दिस ग्रेट मैन लिटन. इमेजिन व्हाट हैपेंड टू, इमेजिन राइटिंग एट द एज ऑफ 19. Subordinated and statutory services proposed for good Indian families. Only 12 Indians could enter these services, right? जो subordinated statutory services होती थी. Satendra Nath Bose was the first person to qualify for Indian civil service exam, जो मैं आपके बात पहले भी कर चुका हूँ. And if you remember, Subhash Chandra Bose also qualified for this services, but he left the service. ठीक है जी. Then S.N. Banerjee is associated with the Indian Association. Second Anglo-Afghan War took at his place at his time, not his place, 1874 to 1880 के अंदर. And Treaty of Gandamak से वो खत्म हुई थी, जिसके बारे में foreign policy chapter के अंदर हम discuss करेंगे. And it shows his policy was also forward along with the reactionary. ठीक है जी. Forward policy करता था, लड़ाई से पता लग रहा है ना कि सिर्फ reactionary थी. 1878 के अंदर एक फेमीन एक्ट आता है, क्योंकि बहुत सारे फेमीन्स आ चुके हैं. एंड रिचर्ड स्ट्रेची इज मेड द फादर ऑफ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट. ठीक है जी. तो अभी आई कैन डू मच, देयर इज जस्ट फैक्ट, समझाने को कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आई कैन टेल यू व्हाट इज इंपॉर्टेंट है. कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज बता सकता हूँ एज आई एम डूइंग नाउ. सो रिचर्ड स्ट्रेची, द फादर ऑफ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन इंडिया, इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर, राइट. IMD वॉज सेटअप एज आई शेयर्ड विद यू at the time of Northbrook over here, just to show to you, right? Look at the logo, right? Even they're showing this wind and nice. It's a good logo, huh? Okay. So this was what happened, right? Now, as I said, Metallurgical Department set up, and Richard Strachey was the father of Metallurgical Department. Now, centralization of financial administration was done, which was started by Mayo, right? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की आप चिंता मत कीजिए, कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, आई विल बी डिस्कसिंग इट प्रॉपरली व्हेन आई टॉक अबाउट दैट एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज वाला जो चैप्टर है, लेक्चर है, उसके अंदर आएगा. नाउ रिपन आता है. रिपन कम्स फ्रॉम 1880 to 84. ही इज ऑल्सो नोन एज द जॉर्ज रॉबिन्सन. एंड सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर एंडेड एट हिज टाइम. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वॉज अबॉलिश्ड, राइट. और 1882 के अंदर ये जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, जिसको गैगिंग एक्ट भी कहते थे, वो अबॉलिश हो गया. फैक्ट्रीज एक्ट आया था चाइल्ड लेबर के लिए, और 1881 में दूसरा फैक्ट्रीज एक्ट 1891 में आएगा. इसके बारे में भी बात एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में ही होगी. डेक्कन एलिनियन सेंसस, पहला जो 10 साला सेंसस होता है, वो इसी के टाइम पर हुआ था. तो इसके टाइम पर एक ये हंटर कमीशन आया था, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का ये कमीशन था. एंड इसका जो फोकस था वो दो चीज़ों के ऊपर था. एक तो इसमें हर वो चीज़ है जो कि आज भी इंडिया की प्रॉब्लम है एजुकेशन को लेके. फॉर एग्जांपल, वुमेन एजुकेशन की प्रॉब्लम बहुत बड़ी है इंडिया में, क्योंकि उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं, इनएडिक्वेट फैसिलिटीज होती हैं. ओवरऑल क्वालिटी की प्रॉब्लम रहती है एजुकेशन के अंदर यहाँ पे. ठीक है जी. बेटर टीचर्स की प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर. एंड ही सेड कि जो प्राइमरी एजुकेशन का काम है, ये लोकल बोर्ड्स को हमें दे देना चाहिए यहाँ पे. इसके बारे में इसने बात की. एंड म्यूनिसिपल बोर्ड्स के बारे में ही वो शॉकिंग की, ये इनको संभालनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन, बिकॉज वो अच्छी होनी ज़रूरी है. एंड स्पेशल केयर वॉज एक्सटेंडेड टू प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली. एंड इसका ये भी कहना था कि लिटररी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए. हंटर कमीशन, देखिए ये दीज आर दी सेम थिंग विच आर टूडे. आज भी देखिए, वुमेन एजुकेशन प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स एजुकेशन दोनों खराब है इंडिया के अंदर, प्राइमरी एजुकेशन के बुरे हाल हो रखे हैं. इफ़ यू रीड अ स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो कि असर रिपोर्ट जिसे कहते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी होती है हर साल, दैट ऑल्सो सेज कि यू नो फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन नॉट रीड बुक ऑफ सेकेंड और थर्ड क्लास इवन.
एंड लिटररी एंड वोकेशनल ट्रेनिंग का इशू रहता है. इनएडिक्वेट फैसिलिटीज वर देयर फॉर फीमेल एजुकेशन इन कंट्री वॉज हाईलाइटेड बाय लॉर्ड रिपन. ठीक है, जिसके बारे में आपको ये जानना है. आगे चलते हैं. नाउ रिपन के बारे में विल टॉक अबाउट मोर. ही पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड द एनल्स ऑफ रूरल बंगाल. It's a comparative dictionary of the non-Aryan languages of India. It's not this. This is a different book. He published these two books. Ripan, ripped apart. एकदम सारी किताबें फाड़ के रख दी. ऐसे हम बोलते हैं rip the book. तो हम इसने books लिखी. Best known for the imperial gazetteer of India. Now, division of finance was done by him. Mayo had started centralization, as I said earlier. Now, actually, it was decentralization, not the centralization, right? Earlier also in the one of the previous slide, it should be read as decentralization. Now, father of the local self-government, jo Ripan hai, isko father of local self-government kaha jata hai. This is important fact. And 1882 mein by resolution of 1882 ye laya tha. Jo local self-government ka, ye act se nahi hua tha, ye ek resolution se hua tha. Or, and you know, we see this panchayati system just to leave an image in your mind at that local self-government was started by Ripan. Theek hai ji? Ripan. Rural. Aur rural area mein panchayat. Right? तो ऐसा हुआ था. फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वाज एनएक्टेड. अ कमीशन वाज लुकिंग इनटू कंडीशन ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स. ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट. रिपन के टाइम पर एक बड़ी खतरनाक चीज हुई थी, उसे कहते हैं इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी. व्हाट इज दिस इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट वाज एक्चुअली सेक्रेटरी ऑफ रिपन, राइट? ये सेक्रेटरी था इल्बर्ट. इल्बर्ट वाज अ लॉ मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल. Now, what happened that bill was introduced by Ripon. ये क्या था कि इंडिया के अंदर racial prejudice को खत्म किया जाए IPC के purpose के लिए. मतलब क्या है कि IPC में पहले सिर्फ Indians punish हो रहे हैं, Britisher को भी punish किया जाए. He said not only Indians but Britisher should also be punished in the under IPC. But now what will happen? Britisher in there in England will get angry and that is what happened and they oppose the bill. Britisher गुस्सा खा के bill को oppose करने लग जाते हैं. ठीक है ना? तो विद दिस इंडियन जजेस को ट्राई ब्रिटिश ऑफेंडर्स सीवियर एंड ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म हुआ, सीवियर क्रिटिसिज्म हुआ था इसका. ठीक है जी. फिर यूरोपियंस को कुछ प्रॉब्लम थी इससे, तो बड़ा ही अमेंडेड बिल आता है, उसके अंदर ये आता है कि यस ठीक है फाइन, इंडियंस कैन ऑल्सो ट्राई. और लेकिन 7/12 का जज बैठेगा जिसमें से 7 जो है वो कि ब्रिटिशर होंगे एंड दैट शुड ट्राई यूरोपियन जजेस. ठीक है. द बिल डीपन एंटागोनिज्म बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन. हम आपस में हो गया लड़े, दूरियां फट गई. और ये जो ये अमेंडमेंट थी, दिस केम थ्रू द सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 1884, राइट? एंड रेंडिशन, और ही इज नोन फॉर द रेंडिशन ऑफ मैसूर जो रिपन है. बिकॉज मैसूर के पीपल वर पिक्ड अप एंड टॉर्चर्ड. एज ऑफ एंट्री इन टू सिविल सर्विस वॉज अगेन रेज टू 21 years. चलो ये अच्छी बात थी. ठीक है जी. लिटन से रिपन, और रिपन ने फिर इंप्रूव कर दिया. सी देर आर फैक्चुअल थिंग्स ओनली. आई कैनॉट डू मच इन दिस लेक्चर. अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आगे आएगा, लेकिन ये आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ हु वॉज द गवर्नर जनरल एंड वॉट शॉर्ट थिंग्स वर हैपनिंग एट दैट टाइम बिफोर यू अंडरस्टैंड द मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स कमिंग इन द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज डफरेन एंड ही रिमेन्स देयर फ्रॉम 1884 to 1888. इसके टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है क्या हुई थी? कांग्रेस बनी थी. एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको आप ए ओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं, इनके टाइम पर ही कांग्रेस सेटअप हुई थी. खैर, हु वाज दिस मैन ए ओ ह्यूम? ही वाज द फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी. दैट इज दिस सलीम अली इज नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया. दिस बर्ड्स की जो स्टडी होती है. एंड 28 December 1885 को ये भाई यू नो दिस वाज अ सेटअप जो कांग्रेस है, एंड कांग्रेस जो सेटअप हुई थी. एंड प्रपोजल ऑफ कॉन्फ्रेंस इन पुणे. ठीक है, लेकिन पुणे में वॉट पुणे में होना होता है, बट स्प्रेड ऑफ कॉलरा ओवर देयर सो द वेन्यू शिफ्टेड टू गो. कांग्रेस कहां सेटअप हो रही है? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला. जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जस्ट इन केस इफ यू आर थिंकिंग दैट दिस हैज एनीथिंग टू डू विद द प्रेजेंट डे कांग्रेस, ऐसा नहीं है. Present day Congress is totally different from this Congress. Although present day Congress is continuation of this Congress only, but the present day Congress has no relation in the at any other level with this Congress over here. So we must see this with respect because the work done by them was massive. But I must remind you that this has nothing to do with the present day Congress. Everything has changed, right? Ideologies and whatnot, so much has changed. Now, third
Anglo-Burmese War, 1885 to 1886, right? I'm not supporting anyone. See, I don't support Modi. He has his own criticism. Congress has his own criticism. BJP, all these people, right? But then I'm just trying to tell you that please be careful that don't get biased in any manner. Now, third Anglo-Burmese War happened at this time. Upper Burma was the next. Just remember this, that it was different. No, at the whole time, Upper Burma was the next. Because Burma will talk soon. Now, first meeting of Congress was in Bombay. We'll talk in detail about the Congress in the lecture in which I talked about how Congress was made, what was happening just before, right? But in the meanwhile, just to give you a glance of what was it like. So 72 members, they met under W.C. Banerjee, and in 1886 Nauruji was the head, right? And then came Tayyabji. Then in next session was in Madras, and this was in Tayyabji was the head over here. And then next session was, this is second this is second session, this is third session, this is fourth session. Allahabad mein hua, and first non-Indian head iska banta hai fourth session mein jaake, whose name is George Yule. And Dharmasi and Sayani also attended this. This question has been asked in paper that did they ever attend this or not. So Dharmasi and Sayani attended this conference, and George Yule was the first non-Indian head of the Congress, and that was in 1888, right? Sir Sayyid Ahmed Khan, he didn't take part in Indian National Congress. He asked Muslims to not join the Congress, and he formed the Mohammedan Anglo-Oriental College, later known as the Aligarh Muslim University. Theodore Beck uske pehle principal the, theek hai ji? Ye paper ke andar aapke aa sakta hai, Theodore Beck. Theek, Aligarh Muslim University ke founder kaun the? Sir Sayyid Ahmed Khan, and chancellor iske Sultan Shah Jahan Begum of Bhopal, theek hai ji? So, ये इसकी हिस्ट्री है. एंड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में कहा था, इट इज अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, कि ये छोटी सी पार्टी है. एंड इन फैक्ट इफ यू सी व्हेन गांधी, इफ यू सीन द गांधी मूवी, इट्स अ ब्रिलियंट मूवी. मतलब आई मस्ट हैव सीन दैट मूवी लाइक 30 और 40 टाइम, स्टिल आई एम मेजमराइज्ड बाय दैट मूवी, गांधी मूवी, 1982 की वो मूवी है. उसके अंदर एक डायलॉग आता है कि गांधी गोज ऑन टू स्टेज एंड गिव्स अ स्पीच दैट this is not real India, where Congress session was being held, and he says this is not real India. He knew that such a small party cannot, such a small group of people cannot represent India. This must be mass based politics in India. This is what Gandhi does to the freedom movement. He gives Indian freedom movement a mass base. That is the biggest contribution of Gandhi. Khair, so somewhere he was right also when Dufferin says it was a microscopic minority. Now this is a picture of the first session of Indian National Congress, which was of course, as you know, held in Bombay, and that was in 28 December, as I said, 1885, right? So you must remember these places: first Bombay, Calcutta, Madras, and Allahabad. BCMA, right? You must remember this thing. And who were the heads over here? The heads were Banerjee, then came Nauruji, then came Tayyabji, and then came George Yule. George Yule reminds me of mule, right? Yule as a mule, just to remember the word. So we have Banerjee over here in Bombay. We in Calcutta, we have Nauruji, and then over in Madras, we have Tayyabji, and in Allahabad, we have George Yule. You must remember these things. BCMA, and over here BNTG. BCM is the first word is common. Bombay mein to Banerjee yaad hi ho jayega, right? So what more happened at time of Dufferin? He tried to follow the middle path. Agar hum isko compare kare, imperialism tha Lytton ki policy, aur Ripon ki thi overzealous policy of administrative reform. Bahut zyada administrative reforms aaye the. And but at the same time there were a lot of foreign policy issues also at the time of Dufferin, right? Now at his time only Durand line came into existence. I'll just quickly give you a small history of Durand line, and that was the Russians had encroached the Merv oasis from where it could easily attack Herat. Theek hai, it's not Hart, it is Herat. I'll just write it here clearly. Herat, right, which British regarded as gateway to India. अब हुआ क्या, जब ब्रिटिश को लगा कि रशिया इज वेरी नियर टू आर प्लेस, दे माइट अटैक अस, सो अ सेटलमेंट इज रीच बिटवीन इंग्लिश एंड रशियंस, अंडर विच रशिया सेज ओके फाइन वी लीव ऑल द एरिया बट मर्व ओएसिस रिमेन्स विद अस, राइट? बट व्हाट हैपेंस दैट इन 1893, दैट इज द उस टाइम पर लैंसडाउन आ जाएगा गवर्नर जनरल, एंड अफगानिस्तान एग्रीज फॉर मिशन हेडेड बाय मॉरिटाइम मॉर्टिमर डुरंड
टू डिमार्केट द टेरिटरी एज ज्वाइंट अफगानिस्तान फ्रंटियर मिशन, कि ब्रिटिश और अफगानिस्तान मिलके ये बॉर्डर डिसाइड करेंगे. ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, दिस इज ड्यूरेंड लाइन, दिस विल बी सेटअप. दिस ड्यूरेंड लाइन कम्स राइट अप टू हेयर, जहाँ दिखाई नहीं गई है पूरी, जो इंडिया के साथ भी टच करती है, जो कि पाकिस्तान के पास एरिया वहां पे. एंड ड्यूरेंड लाइन वॉज कार्ड आउट ऑफ अ प्रोविंस कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस आउट ऑफ एनेक्स्ट एरियाज ऑफ अफगानिस्तान विच इज करंटली पार्ट ऑफ पाकिस्तान बट विच अफगानिस्तान हैज नॉट रिकॉग्नाइज, राइट. तो क्या हुआ कि ड्यूरेंड लाइन को उन्होंने बना तो दिया, तो लेकिन जो आउट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का जो एरिया था, ठीक है ना, जो कि अफगानिस्तान के नेक्स्ट एरिया था, अफगानिस्तान कहता है वो एरिया आज भी हमारा है, पाकिस्तान कहता है वो हमारा है, तो उनका डिस्प्यूट है. इंडिया कहता है पाकिस्तान ही हमारा है, तो कोई क्या ही कहे. डफरिंग के टाइम पर एक आधी चीज और हुई थी, एंड दैट वॉज ही पब्लिश द रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ द लोअर क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन इन बंगाल, जिसको डफरिन रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं. आई हैव Intuition, मेरा अंदाजा है कि दिस क्वेश्चन विल बी वेरी सून इन द पेपर डफरिन रिपोर्ट के ऊपर, बिकॉज इट इज अबाउट द कंडीशन ऑफ द लोअर क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन. एंड यू सी दिस रिपोर्ट फेवर्ड इंडियंस, हाउ द रिपोर्ट में कहा क्या गया कि जो बंगाल के अंदर पुअर है उनकी कंडीशन इज वेरी बैड, द पुअर ऑफ बंगाल आर इन अ वेरी बैड कंडीशन. एंड बिकॉज दिस रिपोर्ट, एंड वाई एम टेलिंग यू दिस कुड बी इन पेपर, बिकॉज दिस रिपोर्ट इट वॉज, दिस इज इंपॉर्टेंट ओवर है, यूज बाय द नेशनलिस्ट टू काउंटर द एंग्लो इंडियन क्लेम दैट British rule had been beneficial to the poorest members of Indian society. Britishers का कहना था कि जो हमारा अंग्रेजी का, अंग्रेजों का राज है, जो अंग्रेजी हुकूमत है हमारी, ये आपके भले के लिए है, ये आपको फायदा करके जाती है. But the truth is that deference policy and which was the whole of the British policy which was exhibited in the Dufferin report was not, Dufferin report clarified that British rule has not been of benefit to Indians. So this is a big thing because Indian, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में, इट वॉज बेस्ड ऑन फ्यू assumptions. फॉर example, वन was दैट ब्रिटिश ब्रिटिश रूल इज फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस, दैट वॉज वन ऑफ द assumptions. नंबर टू was दैट ब्रिटिशर्स आर invincible, ब्रिटिशर्स को हराया ही नहीं जा सकता, कि वन इज ब्रिटिश आर फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया, राइट. बट दिस इज नॉट हैपनिंग ओवर हेयर, इट इज क्लैरिफाइड, दिस इज ह्यूज थिंग टू हैपन, वेरी बिग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इन पेपर. नाउ Following publication of the report, Dufferin commanded the establishment of provincial and central councils with Indian membership. और कांग्रेस की भी काफी देर से डिमांड रहती है, और ये क्योंकि 88 तक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कांग्रेस की डिमांड के बारे में हम बात करेंगे, राइट. और जो डफरिन की वाइफ थी, उसका काफी फेमस नेम है इंडिया में, लेडी डफरिन, और इंडिया में कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं लेडी डफरिन के नाम पे, और शी प्लेड अ वेरी बिग रोल इन दैट, ठीक है जी. सो वॉट इन लेक्चर 18, that I'll tell you very soon, we will be, just in case you're curious, I'll be talking about very soon administrative, foreign policy, social, this is all before I talk about formation of Congress. Now social, and then we'll talk about culture, and then talk about religious, right. ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आने वाले टाइम में. आई होप यू आर एंजॉइंग द लेक्चर्स, एंड इफ यू आर डूइंग सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड यू कैन ऑलवेज रिकमेंड दिस टू द पीपल दैट यू लाइक. और एटलीस्ट आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी के काम आ सकती है, प्लीज आप इसे शेयर कर लीजिए सभी से, बिकॉज दैट इज द सपोर्ट फॉर मी, राइट. लेट्स स्प्रेड द वर्ड, बिकॉज दिस इज टेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट, और all I need is, you know, some, let's say, blessing of all of you people, ताकि मैं आप लोगों की ही हेल्प कर सकूँ. So that is all, and thank you for watching.